बीच में नदी और दो ही तरफ बंधी है रस्सी, और इस रस्सी पे चलवे वारे कोनु करतब दिखावे वारे नहीं, बल्कि गांव के भोले भाले लोग हैं जो शौक से नहीं बल्कि मजबूरी से ई रस्सी पे चलवे पे मजबूर हैं। जान दांव पे है लेकिन जिंदगी तो चलानी है। कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के ग्राम बेड़ाखेड़ी की। इतने के लोग अपनी जान जोखिम में डाल के खेत पे जावे के लाने नदी पार कर बेखो मजबूर होत। किसान, बच्चे, महिलाएं जुगाड़ की रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे। अगर को की जान पे बन आई तो को जिम्मेदार हुई है, जो सवाल बड़ो है। ग्रामीणों की माने तो सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के टाइम आउट, बारिश ज़्यादा होवे से नदी में पानी ज़्यादा रहत, की वजह से गांव से दूर नदी पार के किसानों के खेत पे जावे वालों रास्ता बंद हो जात, और किसानों को यही हालत में कर्तव्य दिखाऊ अपनी जान को खतरे में डाल के जाने पड़त। हमारे द्वारा पंचायत में ठहराव प्रस्ताव जो मीटिंग रहती है उसमें ठहराव प्रस्ताव बना के भेज दिया था, लेकिन उस और वो अब ये जिला जनपद की जिम्मेदारी है, अगर उन्होंने को ध्यान देना चाहिए। हमारे द्वारा वहाँ पर अवगत करवा दिया था। ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते क्योंकि पंचायत में इतने पैसे ही नहीं आते, छोटा गाँव है, 3-4 लाख रुपये आते हैं यहाँ पर 5-6 महीने में, लेकिन वो हम इसमें गाँव का जो समस्या बाकी उसमें काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो समस्या है वो बहुत विकराल बड़ी समस्या है, इतने पैसे में कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। क्योंकि कोई बड़ा हादसा होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसके जिम्मेदार हमारे द्वारा तो हमने अवगत करवा दिया था, अब उनको ध्यान देना चाहिए, वो रहेंगे। जो इलाका मध्य प्रदेश के PWD मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा को है, और विधानसभा में कई बार PWD विभाग के खर्चों पर हंगामा भी हो, लेकिन इन किसानों की सुन विवारों को नहीं। ग्रामीणों को क्या वो है कि उनने क्यों बेर लिखित और मौखिक शिकायत करी, लेकिन आज तक इस समस्या से निजात नहीं मिली, और इतनी बड़ी नदी में जान को जोखिम में डार के लोग इस तरह से निकल बेखो आज भी मजबूर हैं। समस्या हमने तो हमारे पंचायत द्वारा लिखित दिया है, आगे जनपद में पहुँचाया उसको। कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि अगर उधर से कुछ जवाब नहीं आया तो क्या कारण रहा होगा? कारण क्या हुआ, आगे एस्टीमेट नहीं रहता है पंचायत में, वो बड़ा पुलिया बनाना पड़ता है, पंचायत के पास इतना पेमेंट देते नहीं है वो। अच्छा, पंचायत में इतना पेमेंट नहीं देते? हाँ, ये नहीं देते। क्या वास्तविकता, लोगों को परेशानी आ रही है? परेशानी क्या, वो निकलने की समस्या, लेडीज संसद निकला था नहीं वहाँ पे, कैसे निकले सब समस्या। हर आदमी है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा होता तो उसका फिर जिम्मेदार कौन रहेगा? सर हम क्या कर सकते हैं उसमें, हमारा तो जो उसमें क्या है, अभी तार अपनी पंचायत के अंदर ये। हाँ, जो पंचायत देरा खेड़ी हो दोनों की क्रॉसिंग में हो। लोगों की तो मजबूरी है, सुबह यही के चक्कर में ई रस्सी पे चल रहे, लेकिन सरकारों की भी कोनो जिम्मेदारी है के नैया, प्रशासन की जिम्मेदारी है के नैया, जो बड़ो सवाल है। संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बोछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बोछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।